है डॉक्टर राव, आज हम जिस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे वो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, वो है बोटॉक्स और फिलर। आप जानते हैं कि बोटॉक्स और फिलर हम प्लास्टिक सर्जरी में ही यूज होता है या स्किन के डॉक्टर्स यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? फेस में यूज करते हैं, रिंकल्स में। तो उनको बोटॉक्स और फिलर्स को यूज करना आता है। ऐसी कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपने की नहीं वो कैसे करेंगे आप? अगर मैं कहूँ कि आप एसी ठीक कर दें और आपको करना नहीं आता, नहीं कर सकते। तो इस कारण से ये सर्जरी, ये प्रोसीजर यही कराने चाहिए और जो इसको करता हो। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोटॉक्स और फिलर मैं देता हूँ अपने क्लिनिक में। बहुत दूर दूर से लोग सिर्फ फिलर कराने, बोटॉक्स कराने हमारे पास आते हैं। क्यों? हमने देखा कि अगर आप सोचो कि क्या है फिलर में, तो सबसे पहले तो उसको सुन करना होता है। तो किस नर्व को सुन करना होता है? डोर्सल नेरेक्टमी, जिस नर्व को हम डोर्सल नेरेक्टमी में काटते हैं, सिलेक्टिव डोर्सल नेरेक्टमी में, उसी नर्व को सुन करना होता है। तो जिसको जब यही नहीं पता, मैंने बताया सिलेक्टिव डोर्सल नेरेक्टमी का, कि लोग ये सर्जरी नहीं कर पाते क्योंकि उनको नर्व ही नहीं पता कहाँ है, कहाँ इंसिजन दे, तो सुन ही नहीं कर पाते। तो फिलर डालने में बहुत पेनफुल हो जाता है, या उनको पता ही नहीं कि सुन भी करना होता है। नीचे पेनिस के नीचे सुन कर देंगे, सर्कमफ्रेंशियल सुन कर देंगे, तो पेशेंट को दर्द होगा। दूसरा, मेरे पास पेशेंट्स, मैंने इतने पेशेंट्स देखे, ज़्यादातर लोग लगाते नहीं हैं, उसको कह देंगे नहीं, कोई बहाना बना देंगे, या फिर मैंने देखा कि पेशेंट के बहुत सुपरफिशियल लगा दिया, गलत पोजीशन में लगा दिया, तो छाले बन गए बुरी तरह से, वहाँ पे फिलर के ऐसे इकट्ठे हो गए, फिलर जैसे छाले की तरह। तो ना तो वो सेंसेशन को रोक पाता है और ना वो कभी एब्जॉर्ब हो पाता है। 4 साल बाद मैंने पेशेंट का किया हुआ केस देखा, 4 साल बाद भी फिलर वैसा का वैसा था, नहीं तो फिलर 1.5 साल में एब्जॉर्ब हो जाता है और होना भी चाहिए, तभी वो सही पोजीशन पे है। इस कारण से बोटॉक्स डालना, सिर्फ हमारे पास क्लिनिक में लोग आते हैं बल्बस मंजूसस में, मसल में बोटॉक्स डाल पाते हैं, ये इतना कॉमन है। और ये सिलेक्टेड डोर्सल नेरेक्टमी जब करते हैं उसमें तो हर पेशेंट में फिलर डाला जाता है, सेफ है। लोग इसको क्यों कराते हैं कि सेफ है, किसी तरह की सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है, पेनलेस है और सेंसेशन कम कर देता है। साथ में फिलर तो पेनिस के ग्लांस, पेनिस की गर्थ को भी इंक्रीज करता है। तो इन सब रीजंस के कारण पेशेंट्स इस सर्जरी को, इस प्रोसीजर्स को चूज करते हैं। तो अगर आपने बोटॉक्स फिलर कराना है तो आप प्लास्टिक सर्जरी में ही जाना प्रेफर करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका वहाँ पे उन लोगों को पता है, जैसे हम, और उसमें भी जो लोग करते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि हम जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी करते हैं, आपको पता होगा मेरे सारे वीडियो जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी मेल और फीमेल उससे अराउंड डील करते हैं। तो जो प्लास्टिक सर्जन जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी करता है, जैसे प्लास्टिक सर्जन फेस पे फिलर और बोटॉक्स डालते हैं, ऐसे जो प्लास्टिक सर्जन जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी करता है वही बोटॉक्स और फिलर डाल सकता है, और नॉर्मल डॉक्टर्स इसमें नहीं डाल सकते, डालेंगे तो कोई ना कोई गलत काम करे, मिलेंगे ही। तो आप अगर ये कराना चाहते हैं, आपने, हमने इसके सैकड़ों वीडियो डाले हैं फिलर्स के, फिलर्स को हम बोटॉक्स के साथ कंबाइन करते हैं, फिलर्स को सिलेक्टिव डोर्सल नेरेक्टमी के साथ कंबाइन करते हैं, फिलर को हम ग्लैंड पेनिस की गर्थ बढ़ाने के लिए कंबाइन करते हैं, उसको फैट ड्राफ्टिंग के साथ कंबाइन करते हैं, पेनाइल लेंथनिंग के साथ कंबाइन करते हैं, इम्प्लांट के बाद ग्लैंड पेनिस की गर्थ बढ़ाने के लिए डालते हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने बाहर से इम्प्लांट कराया है, फिर फिलर आके हमसे डलवाते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर तरफ से। तो अगर आप ये फिलर डलवाना चाहते हैं टाइमिंग के लिए, और आप सर्जरी नहीं चाहते, आप नॉन सर्जिकल भी चाहते हैं, तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। कोरियन फिलर डाला जाएगा, अगर आप अमेरिकन डालना चाहते हैं तो वो थोड़ा, आपको पता है कि इससे 3 गुना तक महंगा होता है। कोरियन फिलर भी अच्छा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप उसको डलवाएं। हम तो वही डालते हैं, ज़्यादातर पेशेंट वही डलवाते हैं, तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो आप कोरियन फिलर आराम से आके डलवा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। किसी तरह का पेन नहीं आता, कोई स्वेलिंग नहीं आती, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। सेक्स 2 से 3 दिन बाद कर सकते हैं। तो अगर आप ये फिलर बोटॉक्स हमसे कराना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप वीडियो देखिए जिसमें हम पेशेंट से बात कर रहे हैं या उन पर हम ये डाल रहे हैं, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।